हो गई है? चलो, नहीं सर, नहीं हुई। थैंक यू। आप फिर तैयार रहें, आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो कितनी देर हो गई? ये बस स्टार्ट हो गई। आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? ये अब मैंने आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी। चलें, प्लीज एक्सप्लेन करें। सर ये तो कोई और चीज आ गई है जी। आप देखें, आ रही है जी, आ रही है जी। सर अब आ रही है स्क्रीन आप। हाँ जी, व्हाट इज कोरबा? आपकी स्क्रीन पे यही है, व्हाट इज कोरबा, प्लीज एक्सप्लेन करें। सर कोरबा स्टैंड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। ये असल में एक प्रोटोकॉल की तरह है, जिससे प्रोटोकॉल काम करता है। मतलब अब मैंने मुझे कोई क्लाइंट काम देता है, प्रोजेक्ट देता है, ठीक है। अब मैं क्लाइंट की लैंग्वेज को नहीं समझता और क्लाइंट मेरी लैंग्वेज को नहीं समझता, हम एक ट्रांसलेटर हायर कर लेते हैं जो कि मेरा मैसेज क्लाइंट तक पहुंचाता है और क्लाइंट का मैसेज मुझ तक पहुँचता है। ये भी इसी तरह की प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट का मैसेज सर्वर और सर्वर का मैसेज क्लाइंट तक पहुँचाता है। ओके, फिर इसके बाद सर इसे OMG ने डेवलप किया, डीप ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले इसमें 8 मेंबर्स थे, लेकिन अब इसमें 800 से ज्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करें। हाँ जी, ये कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर आइडियल इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज व्हिच इज हाउ कोरबा इंटरफेस आर डिफाइंड। ये है कि कोरबा का जो इंटरफेस है वो किस तरह से डिफाइन किया गया, मतलब कोरबा के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर इसमें जो लैंग्वेज होती है कन्वर्ट करती है एक मैसेज को दूसरे मैसेज में। अजी, ORB क्या चीज है, इसको एक्सप्लेन करें। सर ORB ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, जो एक रिक्वेस्ट को ब्रोक करता है, मतलब क्लाइंट से रिक्वेस्ट को लेके सर्वर को देता है और सर्वर की रिक्वेस्ट को ब्रोक करके दोबारा क्लाइंट को देता है। ठीक है, तो उसके बाद कोरबा के ORB के कुछ कंपोनेंट्स हैं कि ये किस तरह मतलब काम करता है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कोरबा हैं, इसमें ORB है, ठीक है, जो मैंने भी बताया कि ब्रोक करता है रिक्वेस्ट को। उसके बाद स्टब है जो कि क्लाइंट कंपोनेंट है। अच्छा, एक मिनट जरा वेट करें। ये मेजर प्रोजेक्ट यूजिंग कोरबा, ये बताइए जरा कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या करते हैं ये प्रोजेक्ट्स? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। जी जी, ये जो स्लाइड है, सम मेजर प्रोजेक्ट्स यूजिंग कोरबा, व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स, प्लीज एक्सप्लेन। सर ये तो प्रोजेक्ट्स में हम कोरबा को यूज करते हैं, जो कोरबा के उस पे डिफाइन हो रहे हैं। चलें, ठीक है, थैंक यू। अब्दुल बासित इज हियर। नो सर। असद अब्बास। नो सर। मुदस्सिर, आपकी हो ऐप प्रेजेंटेशन तैयार? यस सर। चला दूं इसको? यस सर। बताएं जी, आपने कोरबा पे क्या किया है? कोरबा इज अ कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि मुख्तलिफ कम्युनिकेशन सिस्टम में
कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है. फॉर एग्जांपल अगर जो सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हैं तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है. ये कोई मतलब कि एक एज ए मिडल वेयर यूज होता है. फॉर एग्जांपल ये सिर्फ जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ये मोस्टली जो है ये सी सी प्लस प्लस कोबॉल और जावा में लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस प्रोवाइड करता है तो इसमें जो ज़्यादातर यूज होती है वो सी प्लस प्लस और जावा यूज होती है. इसमें इसको कोरबा को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट की वो कह सकते हैं, एग्जांपल कह सकते हैं कि जो इसमें होते हैं डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी एक सिस्टम में वो भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर बस भी कहा जाता है क्योंकि इट इज अ सॉफ्टवेयर बिकॉज इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड एंड एक्सेस्ड. फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिस्टम है उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं उनकी कम्युनिकेशन की बेस पे इसको एक सॉफ्टवेयर बस कहा जाता है. वो ऑब्जेक्ट जो है इसके इसके थ्रू लोकेटेड किए जाते हैं और एक्सेस भी किए जाते हैं. जी इसके इंटरफेसेस बताइए. इसके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस है वो ये है कि जो क्लाइंट है वो सर्वर को एक एप्लीकेशन भेजता है, वो एक ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर के थ्रू सेंड की जाती है. ऑब्जेक्ट ब्रोकर ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर का काम यह है कि वो जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन सेलेक्ट करता है, उसको रिक्वेस्ट सेंड करता है और वहाँ से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो वापस बैक मतलब कॉलर को प्रोवाइड करता है. इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस का एक बेनिफिट ये है कि इसमें आप जो डेवलपर है वो इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम डायनेमिक बाइंडिंग की जो फीचर्स हैं वो यूज कर सकते हैं. इसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो मॉडिफाइड की जा सकती हैं, चेंज की जा सकती हैं और रीयूज की जा सकती हैं. वो सिर्फ एक मिनिमल चेंजेस कर दें, जो पेरेंट इंटरफेस है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें तो वो हो सकती है. चलिए थैंक यू सो मच. रीज खादिम अरीजिस है जी. यार अरीज है यहाँ पे? नो सर नहीं है. सादिया नूर? सादिया नूर सर, सादिया की कल हो गई थी. ओके एंड देन आई हैविंग शहनाज रफीक. सर शहनाज की भी हो गई थी. ओके हाइफा राव. ये है यहाँ पर सर? हाइफा नहीं आई. ओके देन आई हैविंग मियां जमशेद हैं कोई? सर वो भी नहीं है. ओके एंड निबा उमर. ये है यहाँ पर? ओके मोहम्मद इजाज. इजाज भी नहीं है सर. यासिर जावेद? वो भी नहीं है. अहमद जईन? वो भी नहीं. रिमशा मुनीर? मोस्टली सब लेफ्ट कर गए हैं. अच्छा मोहम्मद कासिम? कासिम भी नहीं है. ओके एहतशाम एहसन? उनकी प्रेजेंटेशन हो गई थी. मोहम्मद इकबाल? इनकी भी हो गई थी कल. सलेमान राव? नहीं है सर वो. ओके अल्हम्दुलिल्लाह. साथिया नूर, अरीज खादिम. अरीज खादिम? नहीं है सर वो. ठीक है, जो लोग यहाँ इस वक्त 10 लोग हैं इन सब की प्रेजेंटेशन हो गई है? आई थिंक इसमें मजर और शकील की नहीं हुई. तो मजर एंड शकील आपकी कहाँ पे है जी असाइनमेंट? मजर शकील सुन सकते हैं आप? मैं अभी ना आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसको आपने देखना है और इसको खुद से व्यू करना है. राइट
आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके जस्ट वेट। ये मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ और ये मैं ऑलरेडी जो है वो आपके ग्रुप्स में भी शेयर कर चुका हूँ, राइट? तो जस्ट मैंने इसका आपको प्रीव्यू देना है। आवाज आ रही है आपको वीडियो की? नो सर। वीडियो डिस्प्ले हो रही है? यस सर। सर लेकिन वीडियो की वॉइस नहीं आ रही। हम नहीं आ रही आवाज? नो सर। वीडियो डिस्प्ले हो रही है? यस सर। चलें इसको देखें, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। IoT OTs कन्वर्जेंस के बारे में बताया हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और स्मार्ट होम स्मार्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। देन यू हैविंग डिफरेंट बिजनेस एप्लीकेशंस एंड कॉमन इंफॉर्मेशन मॉडल कंप्लायंस। इसमें हम सिस्टम इंटीग्रेशन, IoT, सेम कंप्लायंस और कोर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने अभी आपको वीडियो थोड़ा डिस्प्ले किया है, ये एक्चुअली क्या कहते हैं, ये आपके आपके मैंने वहां लिंक्स पे भी शेयर कर दिया, राइट? तो आप इसको जो है वहां से इसको देख सकते हैं, इसको एक दफा आपने देख लेना इसके साथ। और इसके अलावा मैं आपको एक दो चीजें मैंने और बतानी है, मैं वो आपको बता देता हूँ।
आप लोगों ने ना ईआरपी हमारे पास होते हैं ईआरपी सिस्टम राइट, सुन रहे हैं मेरी आवाज? यस सर। ईआरपी सिस्टम्स होते हैं, आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। आपने उन ईआरपी सिस्टम को जो है वो आपने कोई एक ईआरपी सिस्टम जो है वो आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? और उसमें ईआरपी बेसिकली क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, कि हम किसी को कैसे प्लान करते हैं और उसकी रिसोर्स कैसे मैनेजमेंट होती हैं। तो ईआरपी सॉफ्टवेयर्स में एप्लीकेशंस होती हैं जो बिजनेस को ऑटोमेट करती हैं, उसकी फंक्शन को, उसके प्रोडक्ट को, उसकी सेल्स की कोटेशन को, अकाउंटिंग को एंड मोर। बेसिकली ये बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं। तो आपने जो है वो ईआरपी सॉफ्टवेयर फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से ईआरपी सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन से ईआरपी सिस्टम्स हैं। ईआरपी सिस्टम्स जो हैं उन सिस्टम में, उनमें शायद आपने नाम सुना हो, एक होता है ईआरपी स्टाइल लाइन है, ईआरपी सूट्स हैं, ईआरपी एलन है, ईआरपी व्यूअल है। तो ये आप डिफरेंट ईआरपी सॉफ्टवेयर्स हैं, आपने वो उन सॉफ्टवेयर्स को उसकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद उनमें से कोई एक ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है वो आपने क्या करना है, अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना है। उस ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है वो जो एप्लीकेशन है वो आपका कोर बिजनेस के प्रोसेस को मैनेज करती है, आपके सेल्स को देखती है, आपकी परचेजिंग को देखती है, एंड देन यू हैविंग द सॉर्ट ऑफ अकाउंट्स को देखती है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करती है। इसके अलावा जो कस्टमर की क्या सपोर्ट है, क्यूरीज कैसे हैं, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, all are integrated with in the software which are known as ERP softwares. So aap logon ne ek ERP jo softwares hain wo aapne apne system ke upar install kar lene hain, aur install karne ke baad mujhe batana hai ki aapne next class mein ki aapne un systems ko kaise dekha, usme kya cheez aapko samajh aayi, ERP systems jo softwares hain wo kaun kaun se available hain, unko aapne kaise run kiya, kya dekha hai uske andar, wo sari cheeze aapne karni hai. उसके साथ साथ जो है वो आपके साथ मैंने ये बुक शेयर की है, उस बुक को मैं यहाँ पर दोबारा भी एक दफ़ा आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। उसमें कुछ कंटेंट्स हैं जो आपने लाजमी करने हैं, उन कंटेंट्स का मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने उसमें से क्या रीड आउट करना है। आपको आपकी स्क्रीन पर जो है वो बुक नज़र आ रही है, विच इज़ नोन एज एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एंड इंटीग्रेशन। इसमें आपने जो चीजें डिस्कस करनी है दे आर, द फर्स्ट पॉइंट इज एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एंड एंटरप्राइज इंजीनियरिंग क्या होती है, इसको आपने देखना है कि उसमें हमारे पास एंटरप्राइज आजकल किस तरह काम कर रही है, किस तरह से इसको इंटीग्रेट किया गया है, किस तरह से ये ओरिजिनल इसको डिज़ाइन किया गया है, इसमें ये देखना है। देन एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, इसको आपने पढ़ना है, दो पेजेस हो गए। इसके अलावा एक फिगर आपके पास दी हुई है जिसमें आपके पास तीन प्रोस्पेक्टिव हैं, बिल्डिंग, एयरप्लेन एंड देन यू हैव एन एंटरप्राइज, कि आर्किटेक्ट क्या चीज़ ड्रॉ करता है, जो प्लेन का सिनेरियो है उसमें ऑनर्स क्या होगा और मॉड ऑफ बिजनेस क्या होगा, मॉड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे होगा, टेक्नोलॉजी के मॉडल्स कैसे होंगे। इसी तरह से इसकी एब्स्ट्रैक्शन दी हुई है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ हाइड होती हैं, ये भी मैंने आपको फर्स्ट उनमें शो किया था। इसके अलावा व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, कौन कौन सा डाटा कैसे पास होता है, ये चीज़ें जो हैं ये आपकी यहाँ पर दी हुई हैं इन द फिगर 1.3, विच इज़ अबाउट व्हाट, हाउ एंड वेयर। व्हाट का मतलब है एक्चुअल डाटा, हाउ का मतलब फंक्शन, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या होगी, एंड वेयर लोकेशन। लाइक जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है, तो व्हाट इज़ डाटा, बेसिकली सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर कंटेंट्स इज डाटा। फंक्शन क्या है, उसमें हम लोग प्रेजेंटेशन कंडक्ट कर रहे हैं या टीचर्स की डिस्कशन है या हमारा सिंपल कोई पेपर वर्क जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। एंड व्हाट विल बी द लोकेशन, इट इज़ अ फिजिकल लोकेशन और वर्चुअल लोकेशन, इसमें हमारे पास कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल सिस्टम जो है वो भी डिस्कस किए हुए हैं, ये आपने देखना है। इसी तरह से ये आपके पास सिक्स वाइज होते हैं, व्हाट, हाउ, वेयर, हु, व्हेन एंड व्हाई। व्हाई, तो व्हाई मीन इन फ्यूचर, व्हेन मीन व्हाट विल बी द टाइम, द पीपल, द लोकेशन, द फंक्शन एंड द डेट डेटा, दीज आर व्हाट, हाउ, वेयर, हु, व्हेन एंड व्हाई, इसको आपने देखना है। इसमें एक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर दिया हुआ, ये भी आपने इसको देख लेना है। इसके अलावा
आप लोग पहले बुक रीडिंग करते हैं या जस्ट स्लाइड पे ही चलते हैं? मिक्स होता है सर जी, मिक्स होता है। चलें, जो मैंने अभी पहले बताई है उनको आपने देख लेना है। उसके अलावा आपके पास अभी एक चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट में जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं, जस्ट आप इतना इसको अच्छे से देख लेंगे। वैसे आई रिकमेंड कि आप चैप्टर 1 और 2 को अच्छे से पढ़ें, ठीक है? और इन चैप्टर नंबर 2 यू हैविंग एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फॉर मैनेजर्स, इसमें हम लोग क्या कुछ डिस्कस करते हैं, हमने पहले स्ट्रेटजी मैप्स एंड बैलेंस स्कोर कार्ड को डिस्कस करना है, फिर उसके एनालिसिस और फ्यूचर वर्क क्या है, कैसे हमने उसको फ्यूचर में डिफाइन करना है, फिर उसका हमने एनालिसिस डिस्कस करना है। ये मतलब चैप्टर नंबर 2 का बेसिक इंट्रोडक्शन है। देन यू हैविंग द बैलेंस स्कोर कार्ड एंड स्ट्रेटजी मैप्स, उसकी आपको हिस्ट्री नजर आ रही है कि 1996 में बैलेंस स्कोर कार्ड क्या हुआ, ये कैसे किस चीज को ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटिंग स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। बेसिकली दिस इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसलेटिंग योर स्ट्रेटजी इनटू एक्चुअल मीन एक्चुअल एक्शन कैसे परफॉर्म करनी है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री दी हुई है। फिर यहाँ पर स्ट्रेटजी एनालिसिस एड्रेसेस, ये जो ज़ेपमैन फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, उसमें ऑपरेशनल टर्म्स को डिस्कस किया गया, उसमें फाइनेंस, कस्टमर, इंटरनल, अभी मैंने आपके साथ लर्निंग एंड ग्रोथ की स्लाइड भी शेयर की। इसी तरह से ये आपके पास एक फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव जो है वो सिस्टम दिया हुआ है, ये आपके पास पूरा एक बैलेंस स्कोर कार्ड बना हुआ है स्ट्रेटजी के साथ, एंड मेक स्ट्रेटजी एंड देन यू हैविंग द कंटिन्यूअल प्रोसेस, ये कंटिन्यूअल प्रोसेस जो है वो क्या होगा, स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, एंड देन मोबिलाइज आपने कैसे करना है अपनी चेंजेस को, लीडरशिप्स को। तो ये बच्चे चैप्टर नंबर 2 में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपकी स्लाइड्स में भी आपको प्रोवाइड कर दी हैं, इनको एक दफ़ा भी आपने जो वहाँ पर चीज़ें हैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में, PPT फॉर्मेट में, उनको आपने यहाँ से भी देख लेना, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 को आपने देख लेना, और ERP सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो किस लिए होते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को भी आपने जो है वो साथ में पढ़ लेना है। तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑन ERP सिस्टम और देखना फिर ERP सिस्टम क्या होता है। उसके अलावा आपने बैलेंस स्कोर कार्ड को पढ़ना है कि बैलेंस स्कोर कार्ड कैसे बनता है, स्ट्रेटजी मैप्स कैसे बनती हैं, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन लिसन, यू हैव टू वर्क ऑन ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर, ERP सॉफ्टवेयर आपने कैसे लेने हैं, कौन कौन से अवेलेबल हैं, हम मशीन पे इंस्टॉल करके वो हमें कहाँ कहाँ फैसिलिटेट करेंगे। इन सेकेंड फेज यू हैविंग बैलेंस स्कोर कार्ड एंड स्ट्रेटजी मैपिंग कैसे की जाती है, ये दो बेसिक क्वेश्चन हैं जिसको आपने अच्छे से पढ़ के आना है और करके आना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। CR और GR आपने इनके अटेंडेंस लास्ट में मेंटेन करनी है। जी पूछें सर, अटेंडेंस के लिए पूछा था, जब इनके नाम ही चेंज होंगे तो अटेंडेंस कैसे लगाऊं? अच्छा, ये मैं सबको बता रहा हूँ, प्लीज ये मैं वॉइस मैसेज में भी उनको भेज देता हूँ कि आपने अपने नेम नहीं चेंज करने हैं, जो क्लास में रहना चाहते हैं काइंडली डोंट चेंज योर नेम। तो बाकी फिर इसको देखते हैं फर्दर क्या करना है, ठीक है? ये जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया चीजें ये लागू करनी। और दूसरी बात ये कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर कब तक अपलोड हो जाएंगे? ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने लास्ट संडे करने थे, मैं नहीं कर सका, तो इस सैटरडे संडे मैं आउट ऑफ सिटी चला गया था, कोई काम था इस वजह से, इस सैटरडे संडे जो है मैं इंशाल्लाह इनको कर दूंगा अपलोड। और जो कोर्स मटेरियल है 4 PPT की स्लाइड्स और बुक, वो मैंने जहाँ से आपका मतलब पेपर वर्क होना है जो चीज़ें हैं, तो क्योंकि रिकॉर्डिंग में कुछ लोग तो अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे लाइव कुछ नहीं होते हैं, उनके लिए रिकॉर्डिंग मटेरियल भी अवेलेबल है मेरे सिस्टम में, ये सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और ये मैं अपलोड भी कर दूंगा। और इससे रेलिवेंट 4 जो PPT की फाइल्स हैं वो, और एक आपका जो बुक है PDF फॉर्मेट में, वो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप उसको गेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।